साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, एक नए टॉपिक पे आज अपन बात करने जा रहे हैं। एक मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये विरोध के चक्कर में मत पड़ो। मैंने उसमें भी गुस्सा निकाला था और अभी भी मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट के साथ में। ये टीवी की न्यूज है आज से 5-7 दिन पहले की, तो यार मेरे पास अभी ये न्यूज आई। तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब क्या होता है? शेयर करने का मतलब इतना ही है कि ये लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के यहाँ दिमाग में कुछ चीजें घुसे हैं, ताकि आप इन चीजों से बच जाओ। ये भूत है ना, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, मेरे पास भी अमेरिका के कॉल आते हैं। सर अमेरिका कैसे जाएं? अब उनको देखो कि तेरा चेहरा तू कांच में देख ले पहले, ग्लास में, फिर पता तू अपने आप को देख ले कि तू अमेरिका जाने के लायक है क्या। लेकिन उनकी भी यार क्या गलती है, वो भोले बंदे होते हैं, नॉलेज होता नहीं है, अनपढ़ होते हैं, एजेंटों के बहकाव में आके अमेरिका की जाने की सोच लेते हैं। अभी 311 बंदे मेस्को है ना में पकड़े गए हैं, डिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ साथियों, 311 बंदे, इंडियन बंदे, उसमें से ज्यादातर पंजाबी, क्योंकि पंजाबियों को ज्यादा बहुत होता है ना अमेरिका यूरोप कंट्री में जाने का, सबसे ज्यादा लोग वही रहते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा ठग भी वही है पंजाब में, है ना यूरोप कंट्रियों के ठगे, आपको पता ही है। सब लोगों को, लोगों ठगते हैं आपको, सबको पता है। 311 बंदे वहां पे पकड़े गए हैं, डिपोर्ट हुए हैं इमिग्रेशन द्वारा, इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े गए हैं। अब पकड़ने का उनका एजेंटों ने पता है किस तरह से भेजा है, पर कैंडिडेट से 15 से 20 लाख तक लिए हैं, किसी से 25 लाख रुपए लिए हैं, 2 नंबर में भेजने के। अब आप सोचो, अब आपको लोग बोलते हैं मैं जापान भेज दूंगा 70,000 में, रशिया भेज दूंगा 50,000 में, 60,000 में। आप थोड़ा दिमाग आप लगा सकते हो इस बात का। 20 20 लाख रुपए देने के बाद भी वो बंदे नहीं जा पाए अमेरिका, ठीक है, वो उनको डिपोर्ट कर दिया गया, पकड़े गए वो, ठीक है ना। और एक एक महीने तक उन्होंने जंगल में रहे, ठीक है, उनकी खुद की आप बीती है, वीडियो तो मैं नहीं शेयर कर सकता, खुद की आप बीती है कि जंगल में हमें रहना पड़ा, जंगलों में रात गुजारनी पड़ी, जो चावल जो दाल थी वो खत्म हो गई, कीड़ों की सब्जी हमें मिलती थी इतना इतना पैसा देके। और उसमें एक लेडीज और थी, इंडियन थी लेडीज, पंजाबी, ठीक है ना। 311 यानी एक प्लेन पूरा का पूरा उनका ही फुल हो गया, डिपोर्ट हो पहुंचा इंडिया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट राजस्थान दिल्ली में पहुंचा है, ठीक है। तो इन चीजों में कुछ चीजें बता दूं, एजेंटों ने 15 से 20 लाख रुपए उनको अमेरिका के लिए रवाना किया था, 1 महीने सब जगह धूल छान के खा कू के आ गए। उसमें से कुछ बोल लेते हम जमीन बेच के, हमने दो भाइयों ने उनको 20 20 लाख रुपए दिए थे। अब सोचो आप गए वो, तो उनकी कहानी खत्म हो गई ना। अब एजेंट वो क्या है, उनके ऊपर मुकदमा कर दोगे वो जेल चला जाएगा, कितनी बड़ी बात है भाई, वो 6 महीने में जमानत करा के बाहर आ जाएगा, फिर पैसा कहां से। आप तो बर्बाद हो गए ना, एजेंट होगा वो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो करोड़ों कमा लेते हैं ना, जो करोड़ों कमाता है वो 6 महीने जेल में काट लेता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों की कहानी खत्म हो जाती है, तो मेरे भाई बच लो, फायदे में रहोगे। जमीन बेची, जंगलों में समुद्र में महीने भर उनको रोकना पड़ा, रहना खाना कुछ नहीं, कीड़ों की, वो खुद बोला है कि महीने भर तो हमें 15 20 दिन चावल मिलते थे, फिर खत्म हो गए, कीड़ों मकोड़ों की सब्जी हमें मिलती थी। अवैध तरीके से उन लोगों को भेजा जा रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़े गए मेस्की को, जो अमेरिका बॉर्डर है वहां पे, ठीक है। तो वहां से सब, और ये हुआ क्योंकि इमिग्रेशन टाइट था, इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान पकड़े गए सिर्फ इंडियन लोग, बाकी ये बोल रहे थे और कंट्रियों की जा रहे थे, इंडियन लोग नहीं जा पाए। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, ये वीडियो लोगों को भी शेयर कर दो, ताकि उनके भी कहीं ना कहीं कीड़ा जो जग रहा है या कहीं पर अप्लाई कर रखा है कि हम कनाडा जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं। मेरे पास भी मैसेज आते हैं, लेकिन 500 का मैसेज आते फिर नहीं आते, वो 500 रुपये उनके लिए बड़ी रकम हो जाती है। तो इन चीजों का थोड़ा गौर कर लें और बच लें मेरे भाई, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट साइट में डाल रहा हूँ, टीवी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मेरे पास जो न्यूज थी। आप लोगों का फर्ज बनता है कि उन लोगों को भी शेयर करें, ताकि यूरोप कंट्रियों के नाम से बच सके, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लें, ताकि हर रोज नई टॉपिक पे इसी तरह की आपकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ साथियों, बीच में एक बात बता दूं, अभी दीपावली का सीजन चल रहा है, बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से रिलेटेड, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर घरेलू कोई भी सामान, अच्छी भारी छूट चल रही है। तो अमेजन पे अगर आप सामान खरीदते हो तो जल्दी घर पहुंचता है और औरों से सस्ता भी मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे में लिंक डाल रहा हूँ, वहां उसको ओपन करके वहां से आप सामान खरीद सकते हैं।